हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल अरियन फार्मेसी लर्निंग सेंटर। आज इस वीडियो में हम द नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है हिडेंडोइन डेरिवेटिव, उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जनरल स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस हिडेंडोइन डेरिवेटिव का। देर इज 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ पोजिशन इज देयर, एंड R2 एंड R3 आर इज ऑन फिफ्थ पोजिशन, R1 इज ऑन थर्ड पोजिशन ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो इसके हमने जनरल स्ट्रक्चर भी जो है, मैंने आपको बोला था कि जब हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसका जनरल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पे इसके तीन एग्जांपल विच हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर क्लास इनटू द पॉइंट अंडर द पॉइंट क्लासिफिकेशन, दैट इज फिनिटोइन, इथोटोइन एंड मेफिनिटोइन, एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बारबिट्यूरेट कैटेगरी में और फिनिटोइन में इतने डिफरेंस है कि इधर भी दो नाइट्रोजन है, इधर भी फिफ्थ पोजीशन पे ही सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ फर्क यहाँ पे इतना है, डिफरेंस इज ऑनली दैट कि यहाँ पे फिफ्थ नंबर रिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑक्सो ग्रुप यहाँ पे मिसिंग है। देर इज़ वन ऑक्सो ग्रुप जो है सिक्स नंबर के पोजीशन का बारबिट्यूरेट की कैटेगरी में, ये यहाँ पे मिसिंग है। सो यहाँ पे वो नहीं है। लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस हिडेंडोइन डेरिवेटिव। The first point is that the 5-phenyl and other aromatic substituent are essential for the activity. मतलब फिफ्थ पोजिशन पर अपने को जो भी 5-phenyl ग्रुप और अदर एरोमेटिक सब्सटूडेंट जो है ये एक्टिविटी के लिए यहाँ पर इसेंशियल है। मतलब यहाँ पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्किल सब्सटूडेंट है C5 मे कंट्रीब्यूट टू सीडेशन। यहाँ पर अगर देखिए बारबिट्यूरेट की कैटेगरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फिफ्थ पोजीशन पे जो भी सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है तो ये फिनिटोइन के स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रॉपर्टी एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिक्स नंबर का जो ऑक्सो ग्रुप है, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है, ये मिसिंग है। और फिफ्थ नंबर की पोजिशन पर जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं अल्किल सब्सटीट्यूशन, तो ये जो प्रॉपर्टी है सीडेशन का जो प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे फिनिटोइन के स्ट्रक्चर में एबसेंट होता है। और यहाँ पे सिर्फ आपको फिनिटोइन का एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी मिलता है, फिनिटोइन का एक्टिविटी यहाँ पे अपने को नहीं मिलता है। अमंग द अदर हिडेंडोइन लाइक जैसे अभी थायो हिडेंडोइन का एक स्ट्रक्चर है या 1,3-डाइ सब्सिट्यूट हिडेंडोइन है, तो विच एग्जिबिट अगेंस्ट दिस केमिकली इंड्यूस कन्वर्जन। जो केमिकली इंड्यूस जो कन्वर्जन है लाइक टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी और टोनिक और क्लोनिक एपिलेप्सी, तो उसके अंडर हमें जो केमिकली इंड्यूस कन्वर्जन जो है उसके अगेंस्ट अपन ये ड्रग यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस हिडेंडोइन डेरिवेटिव। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट मोड ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज देयर फॉर हिडेंडोइन डेरिवेटिव। ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर मोड ऑफ एक्शन फॉर दिस हिडेंडोइन। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम चैनल जो होते हैं, सोडियम चैनल जब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जब जाते हैं, सोडियम चैनल थ्रू जब सोडियम आयन्स अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एपिलेप्सी के जो जो ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा यहाँ से रिलीज होता है। तो ये रिलीज बंद करने के लिए या ग्लूटामेट का वहाँ पे रिलीज नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से अपने को क्या करना है कि जो भी सोडियम चैनल जो होता है फिनिटोइन जो है, इट डिक्रीजेज द इंट्रासेलुलर सोडियम चैनल सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रोलॉन्गिंग द इनएक्टिवेटेड ऑफ दिस सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करके वहाँ पे सोडियम का जो ये प्रोलॉन्ग कर दे। कि यहाँ पे आपको नॉर्मल इसमें दिख रहा है कि सोडियम कम्प्लीटली अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम चैनल ए और सी फिगर में आपको यहाँ पे सोडियम चैनल जो है ये यहाँ पे इनएक्टिवेटेड है और ये यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो रहा है अपना सोडियम आयन्स या सोडियम आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूरॉन का डिस्चार्ज होने का जो ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है, ये यहाँ पे क्या होती है इनिबिट होती है और उसकी वजह से अपने को सीजर के अटैक नहीं आते। ओके, सो दिस इज द सिंपल मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जो आपके नोटबुक में लिख सकते हो कि फिनिटोइन डिक्रीजेज द इंट्रासेलुलर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रोलोंगिंग द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। एज अ रिजल्ट हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज इनिबिटेड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड मोड ऑफ एक्शन फॉर दिस हिडेंडोइन कैटेगरी। ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड
नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कैटेगरी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.